नमस्कार, ओझांग काइस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुहेल तुर्की। ओझांग काइस अकेडमी में हिस्ट्री ऑप्शन और हिस्ट्री एज ए जीएस पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों का कहना ये था कि सर कि हम लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिसमें हमें पता चल पाए कि आखिर हम हिस्ट्री ऑप्शनल को हिस्ट्री को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों लें। ऐसा क्या है कि हिस्ट्री ऑप्शनल हमें दे सकता है? और सर एक और सवाल जो द्विधा हमारे मन में रहती है कि ऑप्शनल का चुनाव किया कैसे जाता है और अच्छा समय कब है कि हमें ऑप्शनल चुन लेना चाहिए। ये कुछ सवाल और प्रश्न आपके मन में भी होंगे और आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपके जितने भी सवाल हैं प्रश्न जो होंगे उनका आपको उत्तर आज मिल जाए। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की बात तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर हम किस तरीके से एक ऑप्शनल का चुनाव करते हैं। बहुत सारे बच्चों को चुनाव करने के समय बहुत दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग सजेशन भी देते हैं और ये मानना पड़ेगा जी कि जब हमें बहुत सारी सजेशन मिलती है तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट सही होगा। इस वीडियो में मैं आपको अंत तक सारी चीजें बताऊंगा कि क्यों हम लोग और किस तरीके से हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेना चाहिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे यूपीएससी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक बात मैं आपको शुरुआत में ही कह दूं कि जब भी हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यह हमारी यूपीएससी की रैंकिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या हिस्ट्री ऑप्शनल एग्जाम, जब हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं तो क्या हम इतिहास में 300 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। और क्यों है, उसके पीछे कुछ कारण है। लेकिन सबसे पहले जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव बहुत ही सूझबूझ का काम है। बहुत सारे लोगों का सब्जेक्ट पे होल्ड ना होना शायद उनकी कामयाबी के बीच में एक रोड़ा बन के आ जाता है। और हम भी मानते हैं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट, एक यूपीएससी के लिए एक स्टूडेंट को हर चीज के लिए बड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आज बात करेंगे कि आखिर क्या चुनाव करने चाहिए और किस तरीके के चुनाव हमें हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर करने चाहिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं जो सबसे पहले मन में आती है हमारे। सबसे पहले जब भी मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की बात कर रहा हूं तो आपको एक बार यूपीएससी का सिलेबस देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक ऐसी कड़ी है जो हमेशा हमें याद में रखनी है। आप जीएस पढ़ रहे हैं, आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं, आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं या ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, प्लीज एक बार आप यूपीएससी का सिलेबस को देख लिया करें, क्योंकि ये आपको इतनी सारी जानकारी तो दे ही देगा कि आखिर इस बुक में क्या क्या चीजें हैं और क्या ये चीजें मेरे से हो सकती हैं। काफी बार हम उस किताब का चुनाव करते हैं जो किताब हमारे साथ कुछ समय से जुड़ी भी होती है। जैसे बच्चे ने 10th क्लास में, 12th क्लास में, फर्स्ट ईयर में कुछ किताबें पढ़ी और उन किताबों के साथ उसका लगाव बहुत अच्छा लग गया या उसको वो किताबें बहुत अच्छी लगी, तो उसमें उसने ये डिसाइड कर लिया कि यही बुक मैं अब अपनी ऑप्शनल में रखूंगा। सही है, ये रणनीति मुझे सबसे अच्छी लगती है। कहते हैं कि एक इंसान बेहतर वो है जो अपने आप को खुद पहचानने की कोशिश करे, लेकिन कभी कभी ये चीजें देखने के बाद भी क्लियर नहीं हो पाता कि आखिर यूपीएससी के सिलेबस को देखने के बाद भी हमारे मन में एक दुविधा रहती है कि सर नहीं हो पा रहा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया एक बार यूपीएससी की वेबसाइट में जाके या आप हमारी वेबसाइट में भी जाके यूपीएससी का सिलेबस को डाउनलोड कर लें और वहां से ऑप्शनल सब्जेक्ट को देख लें। काफी बार बच्चे ऐसा सब्जेक्ट चुनते हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में है ही नहीं, और ऐसा ना हो कि वो यही सोचते रहे और लास्ट में पता चला कि ये सब्जेक्ट नहीं है। ये रणनीति जब आप सफर आप जब निकल चुके हैं कि हमें यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो उसकी हर चीज आपको पता होनी चाहिए, वो प्री से लेके आपके इंटरव्यू तक आपको पहले ही पता होनी चाहिए। मोल्ड करना टीचर तक होता है। दूसरी चीज, जब भी आप ऑप्शनल का चुनाव करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी लिंक इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो इसका तात्पर्य यह है कि लिंक का मतलब है
क्या आपने कोई ऐसी बुक तो नहीं चुनी जो आपने ऑलरेडी 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, या फिर कुछ लोग जो है पीजी करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद चुनाव करते हैं? सही रणनीति है। क्यों? क्योंकि काफी बार हमें ये मदद मिल जाती है कि हमने जो पहले पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते होंगे तो आपका गाइड जो होगा वो आपको मदद कर सकता है कि ये चीजों को थोड़ा सा और एड ऑन करने की। हम जानते हैं कि 10th तक हमारे वो सब्जेक्ट रहते हैं जो सबके कॉमन रहते हैं, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियो हो गया, इकोनॉमी हो गई, पॉलिटी हो गई, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल, लेकिन साइंस स्ट्रीम से जो बैकग्राउंड से बच्चा आता है उसके लिए सब्जेक्ट का चुनाव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट कभी कभी काफी बच्चे ऐसा करते हैं कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या और किसी बैकग्राउंड से है, फिर उनका चुनाव ये रहता है कि हम कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लें। बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन एक बार एटलीस्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट देख ले जो आपको लगता है कि आपके समय में या फिर आपको समझ अच्छे से आता है। चुनाव करने के समय कम से कम आप एटलीस्ट 1 या 2 दिन ले सकते हैं, ये बहुत जल्दी का काम नहीं है, सोच समझ के, सूझबूझ से, लेकिन फैसला सिर्फ आपको करना है, एग्जाम आपको देना है, ये लोगों ने नहीं देना है, किसी और दोस्त ने नहीं देना। काफी बार सुझाव देने के समय हमारे दोस्त भी सुझाव दे देते, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में आपको बैठना है, लिखना आपको है और बहुत लिखना पड़ता है। इसी चीज हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहती है, क्या उसका मटेरियल मार्केट में मिल रहा है या नहीं, क्या उसकी बुक्स हमारे पास हैं या नहीं। काफी बार हम एक ऐसी बुक का चुनाव कर लेते हैं जो बुक हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, होती भी है तो बहुत कम है, क्योंकि जब ऑप्शनल की बात आती है, ऑप्शनल बुक में काफी सारी चीजें आपको जरूरत पड़ती हैं, और हाँ बुक्स की बहुत ज्यादा जरूरत, इसलिए एक बार वो बुक चुनिएगा, देख लीजिएगा क्या मार्केट में उसका कंटेंट अवेलेबल है या नहीं। यदि नहीं है तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि कृपया, ऐसी बुक्स हैं हमारे पास कुछ, कृपया आप ऐसा चुनाव ना करें, क्योंकि ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अगर आपने तैयारी कर ली और बीच में आपको ये पता चला कि इसकी किताबें नहीं है, मटेरियल नहीं मिल रहा, तो आपका समय जाया हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है, आपका समय कभी वापस नहीं। अगली चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमें गाइड है, जो ये हमें पढ़ाएगा, या हो सकता है कि हम किसी गाइड से इसका हेल्प ले लें, तो क्या गाइड मेरे पास है? यदि है तो आप गाइड से बात करें, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा काम गाइड पे रहता है, क्योंकि वो आपको प्रॉपरली जानकारी देता रहता है कि आखिर करना क्या है। क्योंकि जीएस में हम लोग एटलीस्ट कभी सेल्फ स्टडी में भी चले जाते हैं, लेकिन मैं ऑप्शनल की सब्जेक्ट की बात करूंगा, प्लीज एक बार टीचर से बात कर लें, क्योंकि टीचर आपको सही रणनीति बताएगा। समय आपके पास उतना नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप वो किताब पढ़ रहे हैं जिसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं। अगली चीज जो है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें जब भी कोई चुनाव करना होता है तो प्रीवियस रिकॉर्ड एक बार प्लीज चेक कर लें आप। ये मैं उतना नहीं कहता, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों का, मैंने काफी बच्चे ऐसे भी देखे जिन्होंने मैथ में क्वालिफाई कर लिया, फिजिक्स में क्वालिफाई कर लिया, जूलॉजी में कर लिया, बॉटनी में कर लिया, लेकिन रेयर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, रेयर का मतलब होता है कि शायद कम हो रहा है, और कम हो रहा है तो इसका मतलब है चुनाव में कुछ गलती हुई है। तो आप जब भी चुनाव करें तो प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करें। प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करने के समय एक और चीज चेक करनी पड़ती है कि मार्क्स कितने मिले हैं। अक्सर हमारा टारगेट रहता है कि 300 प्लस मार्क्स हमारे ऑप्शनल में आने ही आने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को ले लिया लेकिन मार्क्स मेरे कम है, वो आपकी रैंकिंग को गिरा सकता है। तो आप जरा एक बार चेक कर लें कि प्रीवियस रिकॉर्ड क्या शो कर रहा है। सब कुछ आप पर निर्भर करता है, आप तो हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा कि आखिर ऐसे कौन से सब्जेक्ट है। एक खास इंपॉर्टेंट चीज, जो 30 चीज इसमें इंपॉर्टेंट रहती है, कि प्लीज एक बार प्रीवियस ईयर पेपर भी उसके चेक कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पेपर हम इसलिए चेक करते हैं कि आखिर हमें ये पता चलता है कि यूपीएससी किस तरीके के प्रश्न पूछता है, और काफी काफी सारी चीजें जो होती हैं वो ये होती हैं कि हम लोग जब प्रीवियस ईयर पेपर चेक करते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर में हम लोगों को इम्पोर्टेंट जो चीज मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर पेपर में, वो हम लोगों को ये फायदा हो जाता है कि आखिर प्रीवियस ईयर पेपर में कितना करंट अफेयर्स दिया रहता है। और क्योंकि आप जानते हैं
कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो सिर्फ करंट अफेयर्स पे निर्भर करती हैं, बहुत सारी करंट अफेयर्स पे निर्भर करती हैं। और बहुत बच्चों को ये भी लगता है कि शायद क्या प्रीवियस ईयर पेपर देखे एनालिटिकल था, डिस्कशन बेट से था, डिबेट भी सेट था, तो आप प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखें, और भी कुछ चीजें हो सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर सुहेल सर हमेशा हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके क्यों कहते हैं कि एक हिस्ट्री ऑप्शनल का चुनाव बहुत अच्छा हो सकता है, क्या सर के पास ऐसा क्या है कि हम हमेशा कहते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल 300 से ज्यादा मार्क्स दिला सकता है, ये रिकॉर्ड कहता है। आप प्रीवियस ईयर अगर पेपर भी चेक करेंगे और रिकॉर्ड भी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीछे हिस्ट्री ऑप्शनल ने काफी सारे बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चुनाव कैसे करें, आखिर कैसे पढ़ें। एक दुविधा ये रहती है कि क्या हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्या हमें हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके सिर्फ हमें स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको शुरुआत कैसे करनी है और एंड कैसे करना है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल की बात। सबसे पहले जब मैं हिस्ट्री ऑप्शनल लिख रहा हूं तो ये जीएस से बिल्कुल अलग हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ही कॉमन है, तो जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल को पढ़ रहे होते हैं तो फिर जीएस भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, यानी एक तीर से दो निशान लगा रहे हैं आप। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस अगर वो बच्चा दे रहा है तो उसका जीएस वैसे भी क्वालिफाई हो जाएगा। आज बात करते हैं कि शुरुआत कैसे, यानी कि स्टेप फर्स्ट में लिखूंगा और स्टेप फर्स्ट में आप लोग क्या करेंगे, ये पहला है शुरुआत। शुरुआत में हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज करेंगे वो ये है कि हमारा चुनाव जो होगा हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके किताबें कौन सी पढ़ी जाए। अगर इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। कोई बच्चा ये कहेगा कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा लेकिन फिर भी क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो प्लीज मैं गलत बता रहा हूँ, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी बार हमें एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। तो इसलिए मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। आप हमें यह समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो आपको बताता जाऊंगा एक एक पॉइंट जो है हम लोग करते रहे। अब हम देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से कौन सी एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो मैं यहां पर लिखूंगा ओल्ड एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, यहां पे हमें ओल्ड एनसीईआरटी की जरूरत पड़ने वाली है। अब क्योंकि हमारे पास दो एनसीईआरटी है, एक है न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी। अब ओल्ड एनसीईआरटी में हम लोगों को कौन कौन सी चाहिए, आपको याद होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी है जो कम से कम 2003 से पहले पहले जो है दी है। देखो एंशियंट हिस्ट्री की बात करता हूं, अब एंशियंट हिस्ट्री में हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक आपको लेनी पड़ेगी ये याद रखिए। दूसरा हमारे पास मिडाइवल हिस्ट्री है, ये एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, और फिर हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। बहुत सोच समझ के अब जब भी एनसीईआरटी का चुनाव करें बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव। देखिए ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा और अर्जुन देव, ये आपका प्लेटफॉर्म बना देंगे बहुत अच्छे से और ये आपको बहुत फायदा देने वाली है। आप जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो आप स्टेप टू यानी जैसे ही आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी तो आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, दो बुक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशियंट इंडिया बाय डी एन झा, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटी लिखी गई है और ज्यादा इसमें बहुत उलझना नहीं है। और दूसरी जो बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है
एंशियंट हिस्ट्री की ही बात कर रहा हूं मैं, और बहुत ज्यादा यूज भी होती है, आया हो कि आपने इसका नाम भी सुना हो, उपिंदर उपिंदर सिंह। ये बहुत यूजफुल बुक है जब आप यूपीएससी के लिए आगे जा रहे हैं और एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप पढ़ रहे हैं, इसमें सब कुछ वो दिया है जो आपको चाहिए। तो इसका मतलब है आपको यहाँ इधर उधर नहीं जाए, ये बुक थोड़ी सी आपको मोटी दिखेगी लेकिन जानकारी आपको बहुत देगी। रीडिंग जब आप कर रहे हो तो प्लीज कुछ चीजें उपिंदर सिंह में इररिलेवेंट भी हैं, तो इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। सो प्लीज आप, मैं ये कहूंगा कि आप डीएन जा की बुक इस्तेमाल करें और फिर आप उपिंदर सिंह की बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि उपिंदर सिंह की बुक आपको थोड़ी सी बल्की टाइप लगेगी, थोड़ी सी मोटी भी है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें कवर की गई है, डीएन जा की अगर आप बुक यूज करते हैं तो बहुत फायदा देने वाली है, लेकिन पढ़ने के समय प्लीज याद रखिएगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। चलते स्टेप हम थ्री के ऊपर कि तीसरा स्टेप हमारा क्या रहने वाला है। तो स्टेप थ्री हमारा होगा वो होगा हमारा मिडाइवल के लिए, और मिडाइवल के लिए हम कौन कौन सी बुक्स जो है वो यूज करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के लिए। सो प्लीज जो बुक्स बता रहा हूँ उतनी ही अगर आप यूज करते हैं तो आपके लिए आपका काम हो जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है, और मार्केट में हिंदी माध्यम में भी और आपको इंग्लिश माध्यम में भी। अब मिडिवल इंडिया हिस्ट्री बहुत सिंपल भी है, उतना ज्यादा नहीं है जितना एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको प्रॉब्लम होती है, और इतनी ज्यादा बुक्स आपको नहीं लेनी पड़ती। एनसीईआरटी तो लेनी लेनी है, सतीश चंद्रा बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी सल्तनत के बारे में यहां से जानकारी मिल जाएगी। सेकंड मेहता, जेएल मेहता, ये आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में बता देगी। आप जानते हैं कि मुगलों के समय में मिडिवल पार्ट में आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो जेएल मेहता की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी जानकारी मिल जाएगी और आपके लिए बहुत इजी भी हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये बुक बहुत प्यारी लगे, और इतनी ज्यादा आप बुक्स नहीं लेंगे तो आप ये बुक ले सकते हैं और आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है वो है मॉडर्न इंडिया। स्टेप फोर मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया हम जानते ही हैं कि एनसीईआरटी तो आप यूज करते ही करनी, लेकिन दो बुक्स आपको जरूरी पढ़नी है। अगर आप पहली बुक जो लेंगे बिपिन चंद्रा, आपको बिपिन चंद्रा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और दूसरी बुक शेखर उपाध्याय। देखिए शेखर जी की जो बुक आप पढ़ेंगे वो आपको मिलेगी प्लासी टू पार्टीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। दोनों बुक्स अगर आप देखेंगे, बिपिन चंद्रा आपको जो है वो ये हेल्प करेगी कि वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी कि बेसिक चीजें बताएगी, लेकिन शेखर जी की बुक जो है वो एनालिटिकल अप्रोच आपके अंदर झुका देगी और वो इवेंट बाय इवेंट आपको बताएगी कि आखिर ये इवेंट क्यों हुआ। और ऑप्शनल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको जरूरी ये बुक लेनी पड़ेगी, और इसकी डायरेक्शन बहुत है, इसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने मोल्ड करके तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही। सो प्लीज आप ये दो बुक्स आप जरूर यूज कीजिएगा, लेकिन आप उसके साथ साथ कुछ और बुक्स भी हैं जैसे जैसे वॉइसराय एक्ट्स और उसके बाद आर्ट्स, तो ये मैं कह सकता हूं कि यहां पे हम थोड़ा सा तमिलनाडु की बुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको ये, और यहाँ पे एक यशपाल एंड ग्रोवर की बुक भी आती है, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि तमिलनाडु की बुक भी आप इस्तेमाल करके अपना हिस्ट्री ऑप्शनल तैयार कर सकते हो। लेकिन अगला हमारा है वर्ल्ड हिस्ट्री। पहले ही आप एनसीईआरटी, तो प्लीज आप याद रखिएगा इसका नाम है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, याद रखिएगा।
एनसीईआरटी तो आप पढ़ेंगे नाइन्थ और टेंथ की, लेकिन दो और बुक्स, फर्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री, रंजन चक्रवर्ती, वर्ल्ड सिविलाइजेशन, ये दो बुक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और वर्ल्ड सिविलाइजेशन जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेगी। तो मैं ये कहूंगा कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए रंजन जी की बुक ले लें, और वर्ल्ड सिविलाइजेशन जो दूसरी बुक आती है, आई होप कि आपको ये बुक्स बहुत हेल्प करेगी। आप एक चीज और भी याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप, और उसके साथ जो एड ऑन कर सकते हैं आप थोड़ा सा इग्नू मटेरियल जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। इग्नू मटेरियल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो जब ये बुक्स आप देखेंगे, आई होप आपको कितनी ही बुक्स लेनी है जो आपको बार बार बोला जाता है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, सब कुछ भी नहीं है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर इन बुक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं पार्ट टू वीडियो में दिखाऊंगा। तो प्लीज बी कनेक्टेड, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इन बुक्स में से जो मैंने बुक्स बताई, इन बुक्स में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, और कौन से टॉपिक्स हैं जो इररिलेवेंट हैं, सो प्लीज इस वीडियो को बहुत ज्यादा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और आई होप कि आपको थोड़ी सी दुविधा जो थी वो निकल जाएगी। ऑप्शनल एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यदि अगर इसको रणनीति के थ्रू और सही ढंग से किया जाए। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। उजंग आइस अकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर। सेकंड वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा, जहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बताऊंगा कौन सा टॉपिक पढ़े कौन सा टॉपिक नहीं। अगर आप मेरे किसी भी कोर्स में ऐड होना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल के कोर्सेस जारी हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे, आप मेरे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए जुड़ सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में पूरा किया जाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में। थैंक यू सो मच।